Well, this is Pharmacy Act 1967 and section number 16, that's about finances. देखें किसी भी काउंसिल के लिए whether वो सेंट्रल काउंसिल है या वो प्रोविंशियल काउंसिल है उनके लिए फंड्स का होना लाजिम है ताकि वो अपने सिस्टम को बाकायदगी से प्रोसीड कर सके उनके जो टास्क हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए जो हैं वो फंड्स का होना बहुत ज़्यादा होता है तो इन ये जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 16 इसके अंदर दो सबसेक्शन हैं और सबसेक्शन 1 के अंदर ये हैं कि फंड्स ऑफ सेंट्रल काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ सच मनीज एज मे बी प्लेस एट इट्स डिस्पोजल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखें इसका मकसद ये है कि जो सेंट्रल काउंसिल है ना उससे जो फंड्स मिलते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल काउंसिल के लिए फंड्स जो हैं वो सबमिट करती है ताकि सेंट्रल काउंसिल अपने फंक्शंस को सर अंजाम दे सके। उसके बाद है कि सबसेक्शन 2 प्रोविंशियल काउंसिल के लिए द फंड्स ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ द फीस रिसीव्ड बाय इट अंडर दिस एक्ट एंड ऑफ सच मनीज एज मे बी प्लेस एट इट्स डिस्पोजल बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। देखें इसके अंदर ये है कि जो प्रोविंशियल काउंसिल है ना उससे जो फंड मिलता है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू भी मिलता है और प्रोविंशियल काउंसिल को फीस भी मिलती है रजिस्ट्रेशन की उसमें से भी जो है जो बजट है जो फंड है वो भी प्रोविंशियल काउंसिल को ही मिलते हैं लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रल काउंसिल है ना उनके अंदर कोई फीस का मामला मेंशन नहीं है लेकिन अभी जो मॉडर्न जो रिसेंट रिसर्च है ना अगर आप फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि सेंट्रल काउंसिल की भी रजिस्ट्रेशन की अब फीस है पहले वाकई नहीं थी लेकिन अब फीस इसकी भी है। सिंपल सेक्शन है फाइनेंसिस पैसे होने चाहिए फंड्स होने चाहिए ताकि सिस्टम जो है वो प्रॉपर वे से अपना काम जो है वो परफॉर्म कर सके। सेक्शन नंबर 17 की तरफ आते हैं दैट्स अबाउट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल काउंसिल एंड फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल। थैंक यू थैंक यू।